हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक एडवेंचर ब्लॉग में। और आज मैं आ गया हूँ, आप देख सकते हो ये एक पानी की झील है। मतलब कि पहले क्या हुआ था, मतलब कि 2-3 सालों पहले यहाँ पे यहाँ से पत्थर निकल जाते थे, ब्लैक स्टोन बोलते हैं उसको, पत्थर निकल जाते थे। तो वहाँ पे पानी भर चुका है और देख सकते हो बहुत बढ़िया सा नज़र आ रहा है। तो गैस मैं 2 दिन पहले यहाँ पे चेक यहाँ पे आया था मैं, तो देखा मुझे ये लोकेशन अच्छा लगा। तो गाइस मैं आ चुका हूँ आज कैंपिंग के लिए और आज मैं अकेला आया हूँ सोलो। तो गाइस देख सकते हो चारों तरफ मेरे साथ और कोई नहीं है, मैं सिर्फ अकेला हूँ। और गाइस अब सनसेट हो चुका है, अब अंधेरा हो चुका है, मतलब कि थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने वाला है अभी। और गाइस मैं थोड़ा भी आवाज़ निकलता हूँ ना तो सामने से आवाज़ आ रही है, देखो मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। कैंपिंग के लिए अच्छा है, लेकिन ये जितना अच्छा दिख रहा है इतना रात को ख़तरनाक भी हो सकता है, तो वो सब मैं दिमाग में नहीं लाना चाहता। गैस मैं अकेला हूँ और आप देख सकते हो चारों तरफ पानी है। तो गैस जल्दी से हम टेंट लगाते हैं क्योंकि अब अंधेरा होने वाला है, सनसेट हो चुका है, तो हम जल्दी से अब टेंट लगाते हैं। हाँ तो दोस्तों मैंने जल्दी से टेंट लगा दिया है, आप देख सकते हो पूरा अंधेरा हो चुका है और सुमसान है इलाका। तो गाइस टेंट लगा दिया है, लाइट का भी सेटअप हो गया है और चाय पीने का मूड था लेकिन अब चाय नहीं बनाएंगे क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, और क्योंकि मुझे टेंट लगाने में और पूरा सामान लाने में बहुत टाइम लग गया। और लकड़ी ढूंढने गया था, वहाँ पर भी बहुत दिक्कत हुई, लकड़ी मुझे मिल नहीं रही थी, तो थोड़ी बहुत ढूंढ के लाया, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कैसे देख सकता हो बस इतनी ही लकड़ी मिली है मुझे, बस थोड़ी लकड़ी मिली है। तो आज का प्लान तो मैं यही करूँगा कि गैस पे ही बना देता हूँ सारा, क्योंकि मैं अकेला हूँ तो मेरा थोड़ा ही बनेगा खाना, तो गैस पे ही बना देता हूँ और ये रात को काम आएगी लकड़ी। तो चलते हैं टेंट में, एक बार आपको टेंट का नज़ारा दिखा देता हूँ मैं। हाँ तो गाइस देख सकते हो इस तरफ भी ये देखो ये पानी की खाई है और उस साइड भी पूरी पानी की खाई है। देखो ये बीच में मैंने टेंट लगाया है और सारा सामान नीचे अंदर रखा है। तो अब बस बनाते हैं जो भी कुछ लाए हैं वो। हाँ तो दोस्तों मैंने आग जला दी है, देखो बस सारी लकड़ी 2 मिनट में ही ख़त्म हो गई, पूरी सूखी थी इसलिए, तो लकड़ी पूरी जल गई। तो अब देखते हैं टाइम कितना हुआ है। हाँ तो दोस्तों 8 बज चुके हैं, 8:02 हुई है। तो बस
अब करते हैं खाने का जुगाड़, जो भी कुछ लाए हैं सारा बनाते हैं। और गैस देख सकते हो, ये लाइट के यार बहुत सारे कीड़े आ चुके हैं, लाइट की वजह से बहुत सारे कीड़े आ चुके हैं अंदर। क्या करता हूँ, क्या करूँ, क्या करूँ। तो गैस खाना बाहर ही बनाता हूँ। दोस्तों सारा सामान मैंने बाहर निकल लिया है, अब दोस्तों काफ़ी अंधेरा है और हमारी लाइट भी जलाई है, लेकिन बहुत दिक्कत हो रही है। वेजिटेबल थे मैंने कट कर दिया है, मिर्ची है, टमाटर है, ओनियन है, और यहाँ पे ये है पनीर, और यहाँ है ये दाने। तो अब बनाएंगे पनीर। तो हमारा गैस ऑन हो चुका है, अब इसमें डालेंगे थोड़ा घी। दोस्तों घी डल चुका है बिल्कुल, बढ़िया से जम गया था यार। हाँ तो दोस्तों पहले हमने घी डाला और राई और जीरा डाला है मैंने, लेकिन गैस का फ्लेम बहुत ज़्यादा था तो थोड़ा जल गया है। गैस मिर्च डाल दी मैंने, अब डालेंगे ओनियन। गैस अकेला हूँ तो कैमरा साथ में पकड़ने का और बाद में ये खाना पकाने का बहुत रिस्क। बहुत तकलीफ वाला काम है यार। अब इसमें ये दाने डालेंगे। अब गैस लास्ट में बढ़िया टमाटर, वो भी साथ में डाल ही देते हैं। हाँ तो दोस्तों मैंने पकने के लिए रख दिया है। लाइट की बहुत दिक्कत है क्योंकि मैं अकेला आया हूँ और एक ही फ्लैश लेके आया हूँ, उसकी वजह से मुझे टॉर्च रखनी पड़ती है। एक हाथ में टॉर्च पकड़ रहा हूँ और एक हाथ में कैमरा। अब तो गैस उसको पकने के लिए छोड़ देता हूँ और यहाँ पे पनीर रखा है, यह पक जाएगा। यह ग्रेवी बनाया है मैंने सब मसाला वसाला डाल के, ये पकेगा। पकने के बाद मैं उसमें पनीर डालूँगा। दोस्तों ये रेडी रेडी हो चुका है,
अब इसमें पनीर डाल देते हैं, उसमें डालेंगे अब पनीर। बस इसको ऐसे ही रख देंगे यहाँ पर। दोस्तों अब बनाएंगे बाजरे का रोटला। ये आटा है, आटे में मैं नमक डाल रहा हूँ थोड़ा सा स्वाद अनुसार। ये आटा मैंने रेडी कर दिया है और ये मैंने सेप में ला दिया है। अब इस पे ये फ्राई पैन रखेंगे, बाद में इसको पकाएंगे। दोस्तों गैस मैंने जला दिया है और इसमें थोड़ा ये घी डालेंगे, बाद में इसको रोटी को इसमें डालेंगे। दोस्तों ये काफ़ी गर्म हो चुका है, हाँ मैंने रख दिया। अब थोड़ा घी डालेंगे चारों तरफ से ताकि चिपक ना जाए। रेडी हो चुका है, इसमें पनीर है और ये राइस है, ये छाछ है और ये रोटला। अब डालेंगे, देखो इसमें थोड़ा घी डालेंगे। ये होगा एक घी। हाँ तो दोस्तों मेरा खाना हो चुका है और बाहर मैंने थोड़ी आग जला रखी थी, देख सकते हो सारा सामान मैंने बाहर रख दिया है। ये सामान वहाँ पड़ा है, थोड़ी देर बाहर खड़ा था मैं। और मैं आपको टाइम दिखा दे रहा हूँ, दोस्तों 11:16 हुआ है, अभी 12 बजने में 40 मिनट बाकी है। तो गैस आज को जलने देते हैं और आप देख सकते हो चारों तरफ और कोई नहीं, सिर्फ मैं अकेला बंदा हूँ। हाँ तो गैस सामान मैंने यहाँ पे रखा है, अब करते हैं हम आराम। तो गैस लाइट की बहुत दिक्कत है यार, आज लाइट मैंने चार्ज नहीं की थी, बैटरी को मैंने अच्छे से चार्ज नहीं किया था। आप देख सकते हो ये लैंप यहाँ पे पड़ा है, देखो ये भी स्लो हो चुका है। हाँ तो दोस्तों मैंने अच्छे से खाना खा लिया, अब बाहर से कुछ आवाज आई। अभी खाना खा के सिर्फ अंदर ही घुसा, बाहर से कुछ आवाज आ रही है, शायद गैस आपको सुना दे, कुछ पानी की आवाज आ रही है, पानी में कुछ गिरने की आवाज आ रही है। गैस अभी 11 ही बजा है, 12 भी नहीं बजा। ये क्या हो रहा है,
गैस में बाहर निकला हूँ और यहाँ पानी में कुछ डालने की आवाज़ आ रही थी। वही ये क्या हो रहा है? कौन है? कौन है? कौन है? दोस्तों यहाँ पे बहुत रिस्क है यार। मैं पहली बार ऐसे लोकेशन पे आ गया। मैं अकेला कभी नहीं आता, मैं दोस्तों के साथ आता हूँ। लेकिन कहाँ है? अरे भैया तू जल्दी आ जा यार, इधर देखो 11 बज चुके हैं और बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ पे कुछ है यार, जल्दी आओ। दोस्तों मैंने मेरे फ्रेंड फ्रेंड को फ़ोन किया है, बस अभी जस्ट आने वाले हैं, बस थोड़ी देर वेट करते हैं, तब तक रुकते हैं यार। दिक्कत हो गई यार, पहली बार पानी में कुछ गिरा, बार बार कुछ पानी में डाल रहा है यार। मैं बाहर निकलने को हिम्मत नहीं हो रही, मैं अकेला बंदा हूँ, क्या करूँ? देखो हो रही आवाज़ है, और लड़की के रोने रोने की भी आवाज़ आ रही है। सुनो, लड़की के रोने के भी आवाज़ आ रही है। बार बार कुछ पानी में डाल रहा है और लड़की के रोने की भी आवाज़ आ रही है। तो गाइस मिलते हैं, अब वीडियो एंड करते हैं। अब मेरे दोस्त दोस्त आएंगे तो सारा वन पैक करके यहाँ से निकल जाएंगे। पंकज भाई वहाँ पे कुछ हो रहा था यार, वहाँ कहाँ पे पे? देखो देखो वो आग जल रही ना, हाँ वो हाँ वहाँ पे। और कोई बात नहीं, अब हम आ गए हैं। चलो गाइस चलो मिलते हैं नेक्स्ट कैंपिंग में। आज का कैंपिंग बहुत खतरनाक हो गया है यार, मैं पूरा डर गया। ये अच्छा हुआ ये हमारे दोस्त आ गए सारे और सामान ले लिया। देखो पंकज भाई टाइम दिखाओ, टाइम टाइम कितना हो दिखाओ। देखो आज 11:50 हो चुके हैं। क्या हुआ था हेमराज भाई? यार तू तो जाने देना, वहाँ पे यार बार बार पानी में पत्थर डाल रहे थे और टाइम कितना हो देखना, 12 बज चुके हैं यार। हाँ कहाँ गए थे तुम? हम यहाँ पे शादी में गए। शादी थे में तो थे? अच्छा हो हाँ। यार तुम आ गए यार, आज तो मेरी सुबह में मिलता ही नहीं तुमको यार। वो मैंने भी सुना, वहाँ से आवाज़ आ रही थी थोड़ी सी, मैंने भी सुना वहाँ पे। अच्छा हुआ तुम आ गए, नहीं तो आज तो मेरी वो डेंजर वाला लोकेशन था। चलो निकलते हैं यहाँ पे, निकलते ही चलो, सब यहाँ पे रुकने का कोई मतलब सब नहीं। कुछ चलो वाइंड अप कर लिया ना? हाँ सब कुछ आ गए, सब कुछ ले लिया ना? हाँ ले लिया। ओके चलो, अच्छा हुआ सब आ गए यार, थैंक यू सबको। चलो मिलन भाई, तुमको कितनी बार फोन किया यार, तुम आ ही नहीं रहे थे यार, जल्दी आना चाहिए था। ठीक है चलो आ गए, सबको थैंक यू यार। चलो चलो चलते हैं।